दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए नई रेसिपी लाई हूँ, शाही मटर मखाने। ये मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं, देख लीजिए। ये मैंने दो प्याज लिया है, नमक है, तेल है, ये काजू है, 150 ग्राम मटर है, दो टमाटर है, ये लिया है, ये मिर्च है, लहसुन है, अदरक है, दो इलायची है, लौंग है 4-5, मखाने है 1 कटोरी, ये हल्दी है, लाल मिर्च है, ये जीरा पाउडर है और ये धनिया पाउडर है। आइए दोस्तों, अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए, अब हम गैस ऑन करते हैं। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम इसमें मखाने भूनेंगे। दोस्तों अब हम इसे लो फ्लेम पे भूनेंगे। दोस्तों हम इसे क्रंची भूनेंगे। दोस्तों हमारे मखाने क्रंची हो गए हैं, ये देखिए, ये मैं हाथ से दबाऊंगी, ये देखिए। अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब मैं कढ़ाई में 2 चम्मच और तेल डालूंगी, प्याज डालूंगी। दोस्तों प्याज को ज्यादा भूनना नहीं है, ये मैंने नमक डाल दिया, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। दोस्तों अब हम इसमें प्याज है, लहसुन है, ये 2 इलायची है, ये लौंग है, ये सब डाल देंगे, कर डालेंगे, ये 2 टमाटर है, जीरा है। दोस्तों देखिए ये हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, 2 चम्मच धनिया डालेंगे, सोना चलो जीरे डालेंगे। दोस्तों अब हम गैस ऑफ कर रहे हैं और इसे ठंडा करके इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है, अब हम इसे पीसेंगे और इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। देखिए दोस्तों मैंने इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। दोस्तों मैं इसमें 1 चम्मच घी डालूंगी, इसमें बटर भी डाल सकते हैं, मुझे घी पसंद है इसलिए डालती हूँ। दोस्तों मैंने इतने काजू लिए हैं, मैं इनका पेस्ट तैयार करूंगी। दोस्तों देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है, मैं इसमें 2 इलायची डालूंगी, हरी इलायची है, और 3 लौंग मैंने डाले। अब मैं इसमें ये पेस्ट डालूंगी। दोस्तों अब हम इसे कढ़ाई में स्लो आंच पे धीरे धीरे भूनेंगे, जब तक मसाले में तेल ऊपर न दिखने लगे। देखिए दोस्तों हमारे मसाले में से तेल बाहर दिख, अब हम इसे इसमें काजू की ग्रेवी डालेंगे। ये मैंने 10-12 काजू लिया था। दोस्तों ये काजू डालने के बाद से इसकी ग्रेवी तली में लगती है, तो हमें इसे चलाते हुए भूनना है ताकि ये अपनी तली से ना चिपके। अब हम इसमें मखाने डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। मखाने दोस्तों पानी सोख लेते हैं ना, इसलिए थोड़ा पानी एक्स्ट्रा डालेंगे। अब हम इसमें काजू डालेंगे, ये
ये मैं मटर डालूंगी, ये मैंने उबाल के रखे हैं। दोस्तों हम मटर को मसाले के साथ भून भी सकते हैं, लेकिन मैं उबला हुआ मटर और ऐसे ही डालती हूँ। दोस्तों देखिए ये मैंने पानी डाल दिया है, अब मैं इसे ढक दूंगी और इसे 5 मिनट तक पकाऊंगी और इसे ये चलाते हुए। दोस्तों हमने ढक्कन हटाकर इसे एक बार चेक कर लिया, कहीं ये तली में पकड़ ना रहे हो। दोस्तों अब मैं भुनी हुई कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ, इसको हाथ से ऐसे मसल के डालेंगे। डंठल है इसके, इसको मैं फेंक दूंगी। ये थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ। दोस्तों हमारी सब्जी बन गई है, अब हम गैस बंद कर रहे हैं और अब हम इसे सर्व करेंगे। दोस्तों देखिए हमारी डिश तैयार हो गई है। आपको हमारी यह डिश कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।